Guys, and happy Dussehra to you all. So guys, I am here to talk about a particular kind of Ravan this time, that is the depression which is related to breakups and lack. So guys, kyun hota hai ye? Bahut jaldi relationships mein aa jate hain, aajkal hum school time mein aa jate hain, college time mein aa jate hain, nahi pata hota kaise person ko choose karna hai, baad mein pata lagta hai ki wo person hamare liye nahi hai, to breakups ho jate hain. Theek hai, yahan tak sabko allowed hai. Life is a teaching, relationship is also a part of it. Aapko ye pata hona chahiye. जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ जान लें कि इट्स अ पार्ट ऑफ इट. लाइफ का तरीका होता है सिखाने का, हमें वो अलग अलग तरीके से पर्सन को भेज के सिखाए. गलत पर्सन को, सही पर्सन को, उसकी मर्जी है. लाइफ हमें सीखना कितना है वो हमारी मर्जी है. इसके बाद दो राह जाती हैं. एक राह जाती है उस तरफ जहाँ पर हम उस टीचिंग से सीखें, उस वो रिलेशनशिप के दौरान जो मिस्टेक हुई, गलत पर्सन चूज़ किया गया, या फिर जो उस पर्सन से मिस्टेक हुई, जो भी चीज़ हुई, सिचुएशन गलत हुई, उन सब चीज़ को सीखें, बात करें उस पार्टनर से, उसके बाद एक अच्छे लेवल पे उसको एंड कर दें, ताकि कभी लाइफ में मिले तो मुस्कुरा के हग करके एक दूसरे को सी ऑफ कर सकें. दूसरा तरीका यह है कि ब्लेम करें खुद को, सिचुएशन को या उस पर्सन को, और उससे लड़े और ज़िंदगी भर अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुने और उसको गाली दें. सी मेरे बहुत बहुत ज़्यादा चहीते एक राइटर और कॉमेडियन है, इंस्पिरेशन है मेरे लिए, मिस्टर जाकिर खान. उन्हीं की बात मैं रिपीट करूँगा. उन्होंने बोला था कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जब वो उम्र ख़त्म हो जाती है तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, मगर जब हमें कोई छोड़ के जाता है ना, तो हम अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज में चले जाते हैं. हमको बस ये फील होता है कि वो हमें छोड़ के शायद इसलिए गया क्योंकि हम अमीर नहीं थे, या हम गुड लुकिंग नहीं थे, या हम अच्छी फैमिली से नहीं थे, या फिर हम एक लो कास्ट से थे, या फिर हमारे पास पैसा नहीं था. कोई भी रीज़न दिमाग में आ सकता है कि इस वजह से ऐसा हुआ है. ऐसा नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है. वो पर्सन इसलिए वहाँ नहीं है क्योंकि उसको वहाँ नहीं होना है. वो आपके लिए ठीक नहीं है, या आप उसके लिए ठीक नहीं हो. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और अच्छे लेवल पे चीज़ों को एंड करना पड़ेगा. एक बात याद रखिएगा कि जब आप एक रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो उसको ख़त्म करने के दौरान आपने क्या किया, किस तरीके से ख़त्म किया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मेरे ख्याल से तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने उस रिश्ते के दौरान क्या किया, क्योंकि जिस तरीके से आपने ख़त्म किया ना, वो जो छाप छोड़ेगा वो शायद वो भी नहीं छोड़ पाएगा जो अपने रिश्ते के दौरान किया. तो उसको ख़त्म इस तरीके से कीजिए कि ज़िंदगी भर वो पर्सन आपको याद करे तो एक स्माइल कर सके, जब आपसे मिले तो आपको एटलीस्ट हग कर सके, ना कि इस तरीके से करें कि वो आपसे नज़रें गिर लें. ठीक है, तो इस रावण को मारिए प्लीज़ अपने अंदर. एंड थैंक यू सो मच फॉर द लाइक्स एंड 200 सब्सक्राइबर्स नाउ. थैंक यू सो मच गाइज. रावण को मारिए, खुश रहिए, रिलेशनशिप चलते रहते हैं, अच्छे से चूज़ कीजिए पर्सन को. नहीं चूज़ हो रहा है तो गाली मत दीजिए, अच्छे लेवल पे एंड कीजिए और फ्रेंड रहिए. लव लाइफ. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस एंड हैप्पी दशहरा. लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो. लग जा गले के फिर ये हसी